गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वर्धमान ई लर्निंग क्लासेस। टुडे वी आर स्टार्ट क्लास सेकेंड विषय हिंदी पार्ट सेकेंड चालाक कछुआ। इस चैप्टर में चालाक कछुए के बारे में बताया गया है। एक कहानी के रूप में है ये, और इस कहानी को हम पढ़ेंगे, आपको ध्यान लगा के सुनना है। कालू कछुआ जंगल में रहता था। कालू कछुआ कहाँ रहता था? जंगल में। एक दिन उसने चालू खरगोश के खेत की गाजर खा ली। एक दिन उसने क्या किया? उसके खेत की गाजर खा ली। चालू खरगोश ने शेर से शिकायत की। शेर जंगल का राजा था। चालू खरगोश ने किससे शिकायत की? शेर से। और शेर कहाँ का राजा था? जंगल का। उसने कछुए को बुलाकर उसे सजा सुनाई। शेर ने क्या किया? कछुए को बुलाया और उसे सजा सुनाई। क्या सजा सुनाई? देखो, शेर ने कहा कछुए को पेड़ पर लटका उल्टा लटकाया जाए। शेर ने क्या कहा? कछुए को पेड़ पे उल्टा लटका दिया जाए। सजा सुनकर कछुआ बहुत खुश हुआ। कि अरे वाह, ये क्या हो गया? उसने कहा मुझे बड़ा मज़ा आएगा, मेरे पेट को धूप लगेगी। उसने क्या कहा? मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, मेरे पेट को धूप लगेगी। शेर सोच में पड़ गया। क्या किया? शेर सोच में पड़ गया, सोचने लगा उल्टा लटकाने से कछुआ खुश होता है, यह सजा नहीं हो सकती। फिर शेर ने कहा कछुए की पीठ पर 100 कोड़े लगाओ। फिर शेर ने सजा बदल दी। उसने क्या कहा? कछुए की पीठ पे 100 कोड़े लगाओ। कछुआ और भी खुश हो गया और वह बोला यह तो और भी अच्छा है, मेरी पीठ बहुत मजबूत हो जाएगी। कछुआ खुश हो गया और बोला यह तो बहुत अच्छा है, मेरी पीठ पे कोड़े लगेंगे ना तो मेरी पीठ मजबूत हो जाएगी। शेर फिर सोचने लगा। उसने सोचा यह सजा भी सही नहीं है, सजा तो वह होती है जो अच्छी ना लगे। सजा कैसी होती है? जो अच्छी नहीं लगती है। अब उसको मजा आ रहा है तो सजा थोड़ी होती। शेर ने कहा कछुए को गहरे तालाब में फेंक दो। फिर उसने सजा चेंज कर दी और क्या कहा? कछुए को गहरे तालाब में फेंक दो। अब कछुआ रोने लगा। उसने शेर से कहा मुझे कैसी भी सजा दो लेकिन पानी में मत फेंको। उसने क्या कहा? मुझे कैसी भी सजा दे दो लेकिन पानी में मत फेंको। अब कछुआ रोते रोते सिसक रहा था। अब शेर खुश हुआ। उसे लगा कि यह सजा सही है। कछुए को गहरे तालाब के पानी में फेंक दिया। कछुए को क्या किया? गहरे तालाब के पानी में फेंक दिया। अब कछुआ खुश था, वह अपनी चतुराई से अपने घर वापस आ पहुंच गया था। अब कछुआ क्या था? बहुत खुश था और वो अपने घर वापस पानी, कछुआ का घर कहाँ होता है? पानी में होता है। और वो वापस अपनी चतुराई से कहाँ पहुंच गया? पानी के अंदर। पानी के अंदर पहुंचने के बाद कछुए को पकड़ ही नहीं सकते कोई, बस वो पानी के अंदर पहुँच गया और बहुत खुश था। बताओ बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताओ, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने दिमाग का सही समय पर यूज़ लेने से हम बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों से बच सकते हैं। जैसे कछुए ने अपना दिमाग यूज़ लिया और बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम से वो कितनी बार बचा है, इस तरह से वो बच के निकल गया और अपने घर सही जगह पर पहुंच गया। इस तरह से हम भी कभी फंस जाएं तो अपने दिमाग का और धीरज के साथ काम ले के अपने उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल सकते हैं या उस समस्या से अपन निपट सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ में फर्स्ट नंबर पे है शिकायत। शिकायत को और क्या कह सकते हैं अपन? उलाहना। क्या कह सकते हैं? उलाहना। सेकंड क्या है? चतुराई। दूसरे नंबर पे क्या है? चतुराई। नाम से पता चल रहा है चालाकी। कछुआ क्या था? चालाक था ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि उसने अपनी चतुराई से या चालाकी से बच गया। तो चतुराई को और क्या कहते हैं? चालाकी। तीसरे नंबर पे सजा, जो शेर ने सुनाई थी ना सजा, सजा को और क्या बोलते हैं? दंड। सजा को क्या बोलते हैं? और दंड। फोर नंबर पे क्या है? मजा। अब वो बच गया था तो उसको क्या आया? मजा आया। वो अपनी परेशानी से बच गया था ना तो उसको मजा आने लगा, तो मजा का दूसरा और क्या बोलते हैं? खुशी। उसको खुशी हुई जोरदार, तो मजा उसको बोलते हैं खुशी।
फाइव नंबर में कौड़े, फाइव नंबर में क्या है कौड़े। जो शेर ने सजा सुनाई थी कछुए को कौड़े लगाने की, तो कौड़े को और क्या बोल सकते हैं, चाबुक। क्या बोल सकते हैं, चाबुक। ये पांचों आपको होम सॉरी CW में करना है, कक्षा कार्य में करना है, और अच्छी राइटिंग में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। थैंक यू।